हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलीसाइफोनिया का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसकी लाइफ साइकिल पढ़ ली, रिप्रोडक्शन में है ना, लाइफ साइकिल पढ़ ली। उसमें हमने देख लिया कि तीन फेजेस में पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल चलती है, तो आज हम उसी का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय हैप्लॉइड नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर। अब ये हर एक वर्ड पे जो है ध्यान देने की जरूरत है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पॉलीसाइफोनिया में वो किस टाइप का होता है। एक तो पहले हैप्लॉइड होगा, है ना, किसकी वजह से होता है, टेक्स प्लेस बाय हैप्लॉइड नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर्स के फॉर्मेशन से जो है क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पॉलीसाइफोनिया में। और ये है टेट्रास्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड कंडीशन होती है, यानी कि एन कंडीशन का होता है और नॉन मोटाइल होता है, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, है ना, मोटिलिटी नहीं होती इसमें, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। अब बात करते हैं द कार्पोस्पोर्स। कार्पोस्पोर्स हमने जब लाइफ साइकिल पढ़ी थी तो हमने देखा था कि एक फेज होती है कार्पोस्पोरोफाइट की, जिसमें कार्पोस्पोर्स बनते हैं और वो कार्पोस्पोर्स जो है 2N की कंडीशन होती है, यानी कि डिप्लॉयड नेचर होता है। तो जो टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, द कार्पोस्पोर्स ऑन डायरेक्ट जर्मिनेशन डेवलप डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट। हमने लाइफ साइकिल में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कार्पोस्पोर्स से ही, कार्पोस्पोर जो कि 2N की कंडीशन है, इससे डायरेक्ट जो है जर्मिनेशन होता है टेट्रास्पोर्स का, जो कि एन की कंडीशन हो जाते हैं, है ना, टेट्रास्पोर जब बनते हैं। लेकिन जो टेट्रास्पोरोफाइट है ना, टेट्रास्पोरोफाइट जो है वो 2N की कंडीशन होती है, और इसी टेट्रास्पोरोफाइट्स में टेट्रास्पोर्स बनते हैं जो कि फर्दर जो है मियोसिस होके NN कंडीशन बनती है। तो ये चीज टेट्रास्पोरोफाइट से जो टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में पूरी में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं, तो ये क्या सेंटेंस था कि द कार्पोस्पोर्स जो कि 2N कंडीशन है ऑन डायरेक्ट जर्मिनेशन डेवलप डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट। कार्पोस्पोर जो है डिप्लॉयड नेचर का होता है, तो ये डायरेक्ट जो है टेट्रास्पोरोफिटिक जो है डिप्लॉयड कंडीशन में ही जर्मिनेट करता है। यहां तक क्लियर हो गया। द प्लांट्स आर इंडिपेंडेंट एंड पॉलीसाइफोनस। हमने पढ़ा है कि जो पॉलीसाइफोनिया का जो प्लांट होता है वो इंडिपेंडेंट है और पॉलीसाइफोनस कंडीशन होती है। पॉलीसाइफोनस इसलिए उसको नाम ही दिया गया है पॉलीसाइफोनिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे साइफन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पॉली मतलब मैनी, साइफन मतलब ट्यूब, बहुत सारे ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सम पेरी सेंट्रल सेल, अब यहां से देखो ध्यान देने की जरूरत है, सम पेरी सेंट्रल सेल्स ऑफ द थैलस नियर एपिकल रीजन डेवलप सैक लाइक टेट्रास्पोरेंजिया। यहाँ पे डायग्राम देखो तब समझ आएगा। ये देखो डायग्राम है, एक थैलस का जो है स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कैसे टेट्रास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये हम समझते हैं। क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि बहुत सारे साइफन्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक सेंट्रल सेल हो गया, ठीक, एक सेंट्रल सेल हो गया और पेरी सेंट्रल सेल ये हो गए, और फिर अभी इन सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। अब पेरिसेंट्रल की बात आती है कि द सम पेरिसेंट्रल सेल ऑफ थैलस नियर एपिकल रीजन, एपिकल यानी कि टिप की बात हो रही है, टिप पे जो पेरिसेंट्रल सेल होते हैं थैलस के वो क्या डेवलप कर रहे हैं, टेट्रास्पोरेंजिया डेवलप कर रहे हैं, टेट्रास्पोरेंजिया डेवलप कर रहे हैं, यानी कि एक सैक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको टेट्रास्पोरेंजिया कहा जाता है। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ टेट्रास्पोरेंजियम अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 टेट्रास्पोर्स। और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है टेट्रास्पोरेंजियम का, ये जो यहाँ पे देखो टेट्रास्पोरेंजिया और टेट्रास्पोरेंजियम एक ही चीज है, लेकिन बस यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी आ जाती है कि टेट्रास्पोरेंजिया जो है वो प्लूरल के लिए यूज हो रहा है और टेट्रास्पोरेंजियम जो है वो सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, यानी कि एक टेट्रास्पोरेंजियम की बात की जाएगी तो टेट्रास्पोरेंजियम कहा जाएगा और कई मिलकर के टेट्रास्पोरेंजिया कहे जाएंगे। ये तो खैर बहुत बेसिक मैंने बात बताई, ये तो आपको पता ही होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ टेट्रास्पोरेंजियम, जो टेट्रास्पोरेंजियम है उसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है 2N का जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, वो मियोसिस कर रहा है, और मियोसिस करके क्या बना रहा है, यानी रिडक्शन डिवीजन उसमें हो रहा है और वो 4 टेट्रास्पोर्स बना रहा है। द स्पोर्स आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली, और वो स्पोर्स कैसे अरेंज है, टेट्राहेड्रली। तो ये तो बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब ये इसका फॉर्मेशन हो कैसे रहा ये हम समझते हैं कि ये डेवलपमेंट जो है टेट्रास्पोर्स का ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं कि सेंट्रल सेल हो गया, पेरी सेंट्रल सेल उसके साइड साइड में रहते हैं, हमने थैलस के स्ट्रक्चर में पढ़ा ही है ये चीज कि बीच में सेंट्रल सेल होता है और साइड साइड में पेरी सेंट्रल सेल होते हैं। तो ये जो है
पेरिसेंट्रल सेल हो गए, फिर उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, टेट्राइस स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है और टेट्राइस्पोरेंजियम में ही टेट्राइस्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे जैसे टेट्राइस्पोर्स को देखें तो ये जो है टेट्राइस्पोरेंजियम है, एक टेट्राइस्पोरेंजियम में कितने चार टेट्राइस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे तीन सामने की तरफ है, एक पीछे की तरफ है ना, देखिए एक दो तीन और एक पीछे की तरफ है, तो चार जो है टेट्राइस्पोर्स का फॉर्मेशन, इसलिए इसको नाम ही दिया गया है टेट्रा, टेट्रा मतलब फोर, टेट्राइस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, और ये कहाँ बन रहा है टेट्राइस्पोर, ये टेट्राइस्पोरेंजियम में बन रहा है, ये टेट्राइस्पोरेंजियम का डायग्राम है। ठीक, ये हो गया। अब टेट्राइस्पोर्स का फॉर्मेशन समझते हैं, इस डायग्राम पे अभी हम बाद में आएंगे, यहाँ पे पहले थ्योरी समझ लेते हैं। अब ये टेट्राइस्पोर जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो टेट्राइस्पोर्स की वजह से होता है, तो ये कैसे डेवलप हो रहे हैं इसको समझते हैं। टेट्राइस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेट्राइस्पोरेंजिया। ठीक, टेट्राइस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, टेट्राइस्पोरेंजिया में, ये जो टेट्राइस्पोरेंजिया है यहाँ पे टेट्राइस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। सिंगल पेरिसेंट्रल सेल ऑफ ईच टीयर टुवर्ड्स एपिकल रीजन फंक्शन एज टेट्राइस्पोरेंजियल इनिशियल। जो पेरिसेंट्रल होते हैं एपिकल रीजन के, जो टिप की साइड जो पेरिसेंट्रल सेल होते हैं, वो एक सिंगल पेरिसेंट्रल सेल जो है हर टीयर का कैसे बिहेव करने लगता है, टेट्राइस्पोरेंजियल इनिशियल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक, अब ये टेट्राइस्पोरेंजियल इनिशियल क्या है, दिस इनिशियल सेल इज स्मॉलर देन अदर। ये इनिशियल सेल जो है किसके स्मॉलर है, यानी कि वो स्पोरेंजियल जो इनिशियल था वो दूसरे से टेट्राइस्पोरेंजियल इनिशियल से लोअर था। ठीक, फिर आता है पेरिसेंट्रल सेल ऑफ एनी पर्टिकुलर टीयर, जो किसी भी पर्टिकुलर टीयर की, टीयर का मतलब क्या हो गया, वो जो लाइन चल नहीं रही है पेरिसेंट्रल सेल की, तो उसकी बात हो रही है कि जो पेरिसेंट्रल किसी भी पर्टिकुलर टीयर की अगर बात करें, दिस इनिशियल सेल डिवाइड्स वर्टिकली इंटू इनर एंड आउटर सेल। अब क्या हो रहा है कि इनमें वर्टिकल डिवीजन होगा। ठीक, अब ये सपोज एक पेरिसेंट्रल सेल है, इनमें वर्टिकल डिवीजन हुआ। ठीक, वर्टिकल डिवीजन हुआ इनर इंटू इनर एंड आउटर सेल, तो यहाँ पे इनर और आउटर सेल का फॉर्मेशन हुआ ऐसे। ये पीछे डायग्राम बना है, अभी हम डायग्राम पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझते चलें। ठीक, पेरिसेंट्रल सेल पे ये जो टेट्राइस्पोरेंजियल इनिशियल बना, इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ, और वर्टिकल डिवीजन जब हुआ तो आउटर और इनर जो है सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, द इनर सेल फंक्शन डायरेक्टली इंटू स्पोरेंजियल मदर सेल। अब ये जो इनर वाला सेल है, ये वाला ठीक अंदर की साइड को जो सेल है वो जो है स्पोरेंजियल मदर सेल की तरह बिहेव करने लग गया। एंड आउटर सेल फर्दर डिवाइड्स एंड फॉर्म टू और मोर कवर सेल्स। और जो आउटर सेल है वो क्या बनाने लगा, वो कवर सेल्स, उसने कवर सेल्स बना लिया। फर्दर जो है उनमें फिर से डिवीजन हुआ और दो से ज्यादा जो है कवर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। द स्पोरेंजियल मदर सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली इंटू लोअर स्टॉक सेल एंड अपर टेट्रास्पोरेंजियल सेल। अब ये जो स्पोरेंजियल मदर सेल जो थी, इसमें फिर से ट्रांसफर डिवीजन हुआ, और ट्रांसफर डिवीजन होकर के उसने क्या बनाया, एक जो है टेट्रास्पोरेंजियल सेल बना और नीचे जो है एक लोअर स्टॉक सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, यानी कि ये जो स्पोरेंजियल मदर सेल थी, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ठीक, ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो एक जो है टेट्रास्पोरेंजियल सेल बना और एक स्टॉक सेल का फॉर्मेशन हुआ। द लैटर अंडरगोज फर्दर एनलार्जमेंट एंड डेवलप्स इनटू अ टेट्रास्पोरेंजियम। फिर उसके बाद ये क्या हुआ कि फर्दर जो है एनलार्जमेंट हुआ, और ये जो टेट्रास्पोरेंजियल सेल बना ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो टेट्रास्पोरेंजियल सेल बना इसमें क्या हुआ कि फर्दर जो है एनलार्जमेंट हुआ, ये बड़ा हुआ और ये टेट्रास्पोरेंजियम में बना, में चेंज हुआ। फिर द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ टेट्रास्पोरेंजियम। अब ये जो टेट्रास्पोरेंजियम है वो डिप्लॉयड कंडीशन है, 2n की कंडीशन है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है रिडक्शन हुआ, अंडरगो मियोसिस, इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ एंड फॉर्म्स फोर टेट्रास्पोर्स, और उसने क्या बनाया, चार टेट्रास्पोर्स बनाया। इसको मियोस्पोर्स भी कहते हैं क्योंकि मियोसिस से बने हैं ये स्पोर्स, इसलिए इनको टेट्रास्पोर्स भी कह सकते हैं और मियोस्पोर भी कह सकते हैं। ठीक, अब टेट्रास्पोरेंजियम से क्या बना, मियोसिस हुआ और वो क्या बना, यानी कि रिडक्शन डिवीजन हुआ, तो 2n से क्या हुआ, 2n कंडीशन क्या हुई भाई, इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो n कंडीशन बनेगी ना, तो 4n टेट्रास्पोर्स बने, कितने, 4। ठीक, चार टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। द मैच्योर टेट्रास्पोर्स आर लिबरेटेड बाय रप्चरिंग द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम। जब ये टेट्रास्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये जब
स्पोरेंजियम की वॉल जब रेप्चर हो जाती है यानी फट जाती है तो फिर ये सारे बाहर आ जाते हैं। ऑन जर्मिनेशन दे डेवलप गेमेटोफिटिक पॉलीसाइफोनस प्लांट। और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये एंड कंडीशन ये क्या बनाती है, दूसरी लाइफ साइकिल बनती है। दूसरा फेज कौन सा है, वो गेमेटोफिटिक फेज है जो हैप्लॉइड कंडीशन का होता है। हमने लाइफ साइकिल में पढ़ा है कि पॉलीसाइफोनिया का एक एक फेज कैसा होता है, गेमेटोफिटिक फेज होता है जो कि हैप्लॉइड कंडीशन होता है। तो ये टेट्रास्पोर्स ही रिडक्शन डिवीजन करके क्या बना रहे हैं, गेमेटोफिटिक पॉलीसाइफोनस प्लांट का जर्मिनेशन कर रहे हैं। बींग हेट्रोथैलिक, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये हेट्रोथैलिक है, आउट ऑफ फोर टेट्रास्पोर टू प्रोड्यूस मेल एंड रिमेनिंग टू प्रोड्यूस फीमेल गेमेटोफिटिक प्लांट। जैसे कि हमने पढ़ा कि हेट्रोथैलिक होता है यानी कि मेल जो है अलग है, फीमेल अलग है सेक्स ऑर्गन, तो चार टेट्रास्पोर्स बने हैं तो दो जो है वो मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गैमेटोफिटिक प्लांट बना रहे हैं, और रिमेनिंग तो जो दो बचते हैं वो फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज खत्म हो गई। अब बात करते हैं इसको डायग्राम से समझते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट हमने टेट्रास्पोर्स का पढ़ा है उसको इस डायग्राम से समझते हैं पूरा, ठीक। यहाँ पे क्या है कि एक सेंट्रल सिफोन है, ठीक। सेंट्रल सिफोन गई, पेरिसेंट्रल सेल्स जाती हैं साइड में। तो क्या होता है कि कोई एक पेरिसेंट्रल सेल किसी भी टीयर की कैसे बिहेव करने लगती है, टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल की तरह बिहेव करने लगती है। तो जब टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल की तरह बिहेव करने लगी तो वो जो है वो इनिशियल सेल जो है बाकियों के उससे पेरिसेंट्रल सेल से छोटे होते हैं। तो फिर वही जो है क्या बनाती है, टेट्रास्पोरेंजियम बनाती है। और यहां पे देखिए जैसे टेट्रास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ और यही टेट्रास्पोरेंजियम जो है क्या बनाते हैं, टेट्रास्पोर्स बनाते हैं। तो ये टेट्रास्पोर्स कैसे बन रहे हैं इसको समझते हैं। जैसे अब कोई फर्टाइल पेरिसेंट्रल सेल हुआ, ठीक, कोई पेरिसेंट्रल सेल हुआ जो कि टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये कैसे बिहेव करने लगते हैं, स्पोरेंजियल मदर सेल की तरह। ये क्या किया, अभी ये स्पोरेंजियल मदर सेल कैसे बिहेव कर रहा है इसको समझते हैं डिवीजन के थ्रू। पेरिसेंट्रल सेल है, इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ, ठीक। अब ये फर्टाइल था, इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ तो दो टाइप के सेल बने, एक कवर सेल हुआ जो बाहर की साइड है और जो इनर वाला है वो स्पोरेंजियल मदर सेल की तरह बिहेव करने लग गया, फंक्शन करने लग गया। तो जो स्पोरेंजियल मदर सेल है इसमें ट्रांसफर डिवीजन हुआ, ठीक। ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो क्या बना, एक जो है लोअर जो है वो स्टॉक सेल में चेंज हुआ और जो अपर वाला है वो टेट्रास्पोरेंजियम की तरह बिहेव करने लग गया। अब यही टेट्रास्पोरेंजियम जो है 2N की कंडीशन में होता है, ठीक, 2N की कंडीशन में है तो ये जो है इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है यानी मियोसिस होता है और ये क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है हैप्लॉइड, ठीक। तो चार हैप्लॉइड्स में चेंज जो है जर्मिनेट करता है, यानी कि जब टेट्रास्पोरेंजियम में जब डिवीजन हुआ 2N की कंडीशन जो थी वो चार हैप्लॉइड जो है गैमिट्स का फॉर्मेशन हुआ और जिनको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोर्स बोलते हैं। क्योंकि ये टेट्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चार जो है बन रहे हैं, तीन आगे की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं और एक पीछे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, टेट्रास्पोरेंजियम से, और वो टेट्रास्पोरेंजियम जो है कोई भी एक फर्टाइल पेरिसेंट्रल सेल से बनता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने यही चीज पढ़ी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रास्पोर्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,